24 का सिंपल है, 24 जुलाई आनंद रसवत नगर, ये है पुरुषोत्तम योग से। परम पूज्य महाराष्ट्र जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पे जो प्रवचन किए थे उसी का ग्रंथ का नाम है पुरुषोत्तम योग। उस ग्रंथ में से 166 167 दो पृष्ठों में से आज की सामग्री है। आज का शीर्षक 24 जुलाई का शीर्षक है, क्योंकि आज तो 1 जून है, पर 24 जुलाई का शीर्षक है वेद 2 जून है सॉरी 2 जून है आज वेद हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है, ये 24 जुलाई का शीर्षक है। तो ये जो है वेदेश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, भगवान ने पुरुषोत्तम योग में एक बात बताई। तो अपने जितने पुराने शास्त्र हैं, एकदम आधुनिक को छोड़ दो तो लोग वेद मेंशन भी नहीं करेंगे, पर सबसे पुरानी जो टेक्स्ट है हिंदू धर्म की वो वेद ही, और वेद का अर्थ टेक्स्ट नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। पर ऋषियों को जो मंत्रों का दर्शन हुआ तो बाद में उनको श्रुति परंपरा से उन्होंने अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को, ऐसे श्रुति से ही यानी सब कंठस्थ रहता था। बाद में व्यास जी ने देखा कि अब ये कंठस्थ वाला तो नहीं चलेगा, क्योंकि बाद में इतनी बढ़िया मेधा और प्रतिभा नहीं रहेगी लोगों की। तो जितने मंत्र थे उनको 4 भागों में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद की सबसे बड़ी महिमा है, और कोई कहे कि हिंदू धर्म का कौन सा ग्रंथ है तो लोग कहेंगे गीता, पर वो गलत है। वेद ही हमारा, क्योंकि गीता भी वेद से ही। तो आज वेद के बारे में महर्षि कह रहे हैं कि वेद को कोई व्यक्ति यह न समझ ले कि सिर्फ अध्यात्म की बातें ही बताता है वेद, वेद हर तरह से हमारी भलाई हो ऐसा वर्णन करता है। तो परम पूज्य महर्षि आज के प्रश्न में हमको खाली एक झलक देंगे कि वेद क्या क्या वेदों में है। अभी इस समय जो वेद अवेलेबल है वो 100,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, और 4,000 इसके ज्ञान कांड के। और कर्मकांड उपासना कांड समझो कि उपनिषद जो है 4,000 मंत्र यानी वेदांत, ज्ञान कांड वहाँ पर भी बहुत सारी मुख्य रूप से तो ज्ञान का ही वर्णन है उपनिषदों में, वेदांत में 4,000 मंत्रों में, पर वहाँ पर भी कहीं कहीं लौकिक बातों का वर्णन है। इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि पूरे वेद में देखें, कर्मकांड और उपासना कांड में तो है ही है, क्या वेद में वर्णन आया है कि हमारा छोटा बच्चा बीमार न पड़े, हमारी आयु पूरी हो, हम बीच में न मरें, हमारी गाय, हमारा घोड़ा, हाथी बीमार न पड़े? वेदों में यह वर्णन क्यों है? स्वयं परम पूज्य महाराज श्री इसका जवाब देंगे, क्योंकि वेद में प्रार्थना कर रहा है, मतलब जो वैदिक ऋषि हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना में ये सब बातें कि हमारा बेटा है ना, बच्चा बीमार न पड़े, आयु पूरी हो, बीच में न मरे, और हमारे पशु, उस समय पशु ही मुख्य था, धन, आजकल तो धन जो है FD और ये सब हो गया, और गाय, घोड़ा, हाथी यही सब है ना मुख्य धन था वैदिक समय में, तो ये बीमार न पड़े। तो ये वेदों में ये वर्णन क्यों है? एक इसका सीधा साधा उत्तर ये है कि वैदिक ऋषि जो है वो अपने मन को प्रभु में लगाना चाह रहे हैं। हम भी समझो, वैदिक ऋषियों की बात छोड़ दो, तो हम लोग अपने मन को ठाकुर जी में लगाना चाह रहे हैं, और समझो समस्या आ गई, तो अब वो जो मन है वो ठाकुर जी में नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी समस्या को अटेंड करने में ही मन जाएगा। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि ये सब ठीक रहे है ना, तो हम भजन कर सकेंगे। अब आप लोग आप आए क्योंकि कोई इस प्रकार की समस्या नहीं है, श्याम जी को फ़ोन करना पड़ता है फलाने की डेथ होगी आज जाना पड़ेगा, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि बीच में न मरे, आयु पूरी हो, है ना, बीमार न पड़े, तो ये यही सब तो हमको जितना थोड़ा बहुत अध्यात्म करते हैं फिर वापस उसी में। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद ही जब ये
प्रार्थना करके और ठाकुर जी जो प्रसन्न होके हमारी इस व्यवस्था को ठीक कर देते हैं, तब जाके व्यक्ति का मन जो है फिर भजन में लगता है। नहीं तो बहुत मनसूबा करता है, वृंदावन जाके भजन करेंगे, है ना, रिटायर्ड आदमी नहीं जा पाता। अच्छा, इस वर्णन में यह अभिप्राय है कि एक ईश्वर पर तुम्हारे हृदय में विश्वास आए, वो जो मैंने बताया वो तो है ही है, पर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन के और सचमुच में हमारी प्रार्थना को, है ना, स्वीकार कर दे, कर लेगा, तो हमारी समस्या हल हो गई। तो ईश्वर में विश्वास हो गया कि जब जब हमने प्रार्थना की, है ना, कभी कभी तो बिना प्रार्थना किए ही तो अंतर्यामी है ना ठाकुर जी, जान लेते हैं कि भाई अब श्याम जी को ये समस्या है, तो श्याम जी देखते हैं कि भाई कुछ कोई कुछ नहीं कहा, मैं बिहारी जी में बिहारी जी को कुछ कहा कि भाई ऐसे कर दो, तो अपने आप ही समस्या हल हो गई, है ना। तो ये कैसे होता है, ये होता है हृदय में विश्वास आ गया। तो हृदय में जो विश्वास आ गया, इस वर्णन में यह अभिप्राय है कि एक ईश्वर पर तुम्हारे हृदय में विश्वास आए, जिससे प्रार्थना की गई उसके प्रति तुम्हारे हृदय में विश्वास आवेगा तो तुम्हारी बुद्धि जो संसार में भटक रही है वह स्थिर होगी। वैष्णव जी को रख दिया कि यही रहेगी तो चंचल है, है ना, तो ये भटकेगी बुद्धि, अब यहाँ रहेगी तो, है ना, इसीलिए तो उसे रखा। हमको लगा भाई वो बच्ची का इतना है क्या कि भाई मुझे कहीं जाना ही नहीं है। अब हमको समझ में आया कि नंदिनी जो है वो जानती है वैष्णवी को, अभी थोड़ी चंचल है। तो जो उच्च कोटि के साधक हैं उनको निष्काम रहने दो। भाई वेद में निष्कामता का भी वर्णन है, तो महाराज कह रहे हैं ठीक है, उच्च कोटि के साधकों के लिए निष्कामता की बातें हैं, उनको रहने दो। वेदों में सकाम का भी वर्णन है। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि सकाम का तो वेदों को वर्णन नहीं करना चाहिए, तो प्रश्न स्वयं महर्षि प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों है। तब इसका उत्तर दे रहे हैं कि दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा ईश्वर पर विश्वास करोगे तो ईश्वर के नज़दीक जाओगे, आओगे, और ईश्वर के निकट आने का यह भी एक उपाय है। तो सकाम जो वर्णन है ना, वो एक उपाय है ईश्वर के पास नज़दीक आने का, क्योंकि व्यक्ति ने कहा कि भाई हम, है ना, हमारा ये काम हो जाए तिरुपति जी बालाजी को भोग लगाएंगे, हम अपने कोई मान्यता करते ही हैं लोग मान्यता, तो ठाकुर जी उसकी बात को, है ना, जो प्रार्थना कर रहा है पूरी हो जाती है, उसकी मिन्नत पूरी हो जाती है, तो मिन्नत पूरी हो जाती है तो फिर, है ना, कब चलें कब चलें कब चलें, है ना, एक साल हो गया, दो साल हो गया, अरे भाई वो बाकी है, माना हुआ बाकी है, ये जीव बड़ा विचित्र है। तब तो एकदम, है ना, आप हमारा काम कर दो, हम तुरंत आपको भोग लगाएंगे, और जब काम बन गया तो हम भूले बैठा है, क्योंकि दूसरे दूसरे काम में फंस जाता है। तो खैर, तो कहने का मतलब यह है कि भाई सकाम में भी वेद ने जब वर्णन कर दिया तो उससे वो ईश्वर के नज़दीक आएगा ना, ईश्वर के निकट आने का यह भी एक उपाय है। अच्छा, वेदों में ये भी वर्णन है कि शरीर को ऐसे ऐसे रखो, ये खाओ ये पियो, शरीर को स्वस्थ रखो, तब वेदांत विचार होगा, साफ बात है, है ना, वेदांत विचार होगा, भजन होगा, शरीर स्वस्थ तो रहे, है ना। परमात्मा को जानने के लिए स्वस्थ तन मन की आवश्यकता है। वेद कहता है चरित्र शुद्ध होगा तो तुम ईश्वर के निकट पहुंचोगे। अच्छा, चलो इतनी बात तो ठीक है, पर ब्याह वगैरह का तो वर्णन नहीं होगा। बोले नहीं नहीं उसका भी वर्णन है, वेद में यह भी आया है कि ब्याह कर लो। ठीक है, वेद ने बताया कि तुम्हारे मन में काम विकार तो है, और ब्याह नहीं करोगे तो काम की पूर्ति के लिए संसार में हजार साधन मिलेंगे, तो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाओगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, सो इसके लिए एक जगह ब्याह करना अच्छा है, यह भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो ये वेद की मतलब महानता है ना, कि एक
काम विकार के लिए एक रास्ता दे दिया है ना, कि विवाह कर लो। अब जो है वेस्टर्न कल्चर जो है उसका भारत में भी प्रभाव आ रहा है, हम तो ब्याह नहीं करेंगे, लिविंग टुगेदर है ना, साथ में रहेंगे, तो ये सब गलत है ना। ये जो है वेद, इसीलिए हमारी संस्कृति जो है जापान में आज भी नम्रता संस्कृति का इतना महत्व है। लोग बैठेंगे टेबल पे है ना, सब साथ में प्रेयर करेंगे खाने के पहले, यानी अपनी संस्कृति को हम ही लोगों ने भुलाया है। अब देखिए यहाँ वेद कह रहा है ना, पर हम वेस्टर्न कल्चर को गले लगा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर जो कि किसी काम के नहीं, क्योंकि वो तो भोग जो कंट्रीज़ हैं है ना, ये तो हमारी जो कंट्री है वो तो यहाँ पर तो अवतार हुए हैं ना, तो ये तो पुण्य भूमि है, भारत को पुण्य भूमि माना है। तो बाहर अभी एक आए तो सज्जन पूछ रहे थे कि भाई समुद्र को पार करने का क्यों निषेध है सन्यासी के लिए। तो हमने उनको समझाया कि भाई वैदिक युग में इस बात का पता था कि ये पुण्य भूमि है और बाकी जो भूमियाँ हैं वो है ना भोग भूमि है, तो वहाँ जाएगा व्यक्ति तो भले उच्च कोटि का साधक है, सिद्ध अगर नहीं है तो वो वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हो जाएगा। नहुष करके एक राजा थे, बड़े जबरदस्त, इतने प्रतापी राजा कि एक समय ऐसा आया कि इंद्र पद खाली था। इंद्र थे पर किसी कारण से इंद्र उस समय उस पद पे नहीं रह सकते थे, तो उसको भरना ही पड़ता है उस पद को। तो ये विचार हुआ ऋषियों में कि भाई किसे राजा बनाया जाए। तो जैसे नहुष का नाम लिया गया, तुरंत सब लोगों ने बिना किसी क्या कहते हैं विरोध के है ना, हाँ, उसका अपॉइंटमेंट हो गया। और नहुष जो है सचमुच में इतना प्रतापी राजा था, पर वहाँ बताते हैं कि वो जो ऐश्वर्य और भोग जो है इंद्र का, नहुष भी उसका भी दिमाग खराब हो गया। यानी वहाँ नंदनवन और अप्सराएं और कल्प, वो क्या बोलते हैं, कामधेनु और कल्पतरु, और वहाँ का स्वर्ग का जो ऐश्वर्य और भोग है, तो नहुष जैसा प्रतापी राजा, बड़ा तपस्वी राजा, पर जब इंद्र पद आ गया तो अब वहाँ एक दिन उसके मन में आया कि भाई जब मैं इंद्र हूँ तो इंद्राणी मुझे मिलनी चाहिए। तो इंद्राणी को कहलवाया है ना कि तुम जो है अब हमारी हो। और इंद्राणी बड़ी बोले, भाई ये नहुष राजा हो गया ठीक है, पर हम उनकी कैसे हो गए, हम तो इंद्र की रहेंगी। तो बृहस्पति गुरु हैं देवताओं के, बृहस्पति जी को कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। बोले कोई बात नहीं, तुम जो कुछ मंत्र दिया, बोले इसका तुम अनुष्ठान करो और देवी से तुमको प्रेरणा प्राप्त होगी कि क्या करना है। देवी ने प्रेरणा दी इंद्राणी को कि उसको कहो नहुष को कि ठीक है ना, तुम हमारा भोग कर सकते हो है ना, तुम इंद्र हो, पर तुमको ऐसी सवारी में आना पड़ेगा जिसमें आज तक कोई नहीं आया। तो इंद्र ने नहुष ने सोचा, देखो उसका दिमाग तो खराब हो ही गया था, नहुष ने सोचा कि ऐसी कौन सी सवारी है जिसमें, क्योंकि सब सवारियों में रथ है, घोड़े हैं, जितनी भी सवारी हैं सब में ऐसी सवारी जिससे कोई ना आया हो, उसी सवारी में तुम आओ। तो उसने ठाकुर जी को भी, तो अब जब इसका थोड़ा उन्मत्त हो गया ना, तो ठाकुर जी को इसकी बुद्धि ठीक करनी थी, तो बुद्धि ठीक कैसे करी, बोले कि पालकी में चलेंगे, पर पालकी तो सब चलते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं हुई। बोले नहीं, पालकी को कहाँ ढोते हैं, हम अपनी पालकी को, इंद्र था ना, सप्त ऋषियों को कहेंगे कि आप हमारी पालकी को लेके इंद्राणी के पास चलो। अब दुर्वासा ऋषि और वशिष्ठ और बड़े बड़े ऋषियों को बताया कि ऐसे ऐसे, अब वो लोग तो है ना आप्त काम आत्मा राम और है ना तपस्वी, तो अब देखा कि भाई इंद्र का इस प्रकार आया है ऑर्डर, चलना तो है ही है। गए सब सातों ऋषि, सप्त ऋषि लग गए उसकी पालकी में। अब पालकी में लग गए तो नहुष जो है चल रहा है इंद्राणी की ओर, और कुछ बातें हो रही हैं। तो ये बातें जो हो रही हैं,
तो उसको लगा कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं ऐसा जब लगा तो उन सात ऋषियों में एक ऋषि में नाम भूल गया उसके सिर पे पांव लगाया, बोले चलो जल्दी चलो ये क्या है धीरे धीरे चल रहे हो। तो बस भगवान को यही करना था, वो तो ऋषि तो श्राप देने में समर्थ है, उसको श्राप मिला उसी समय वो अजगर हो गया उसी समय। अब कहाँ तो बेचारा इंद्राणी के पास जा रहा था कहाँ जो था नहुष हो अजगर हो गया। तो ये पूरी की पूरी घटना राजा युधिष्ठिर के बाद में उसको वो श्राप का विमोचन जब हुआ राजा युधिष्ठिर के छूने से, फिर वो वापस नहुष के रूप में आ गया। और जब नहुष के रूप में आया तो बड़े वेदांत की बहुत ऊंची ऊंची बातें, युधिष्ठिर को ये मन में प्रश्न हुआ कि इतना ज्ञानी वो आखिर में अजगर बना कैसे। तब जब उसने पूछा तो उसने ये पूरी कथा सुनाई। तो कहने का मतलब यह है कि उन्मत्तता जो है ये प्रसंग क्यों है, क्योंकि वेद जो है, हाँ ब्याह का, तो एक जगह ब्याह कर लेगा तो ये काम विकार, हमारे ऋषियों ने इसको बड़ा अच्छी तरह से देखा कि भाई व्यक्ति को काम विकार है तो उसके लिए रास्ता दे दिया जाए, और जब रास्ता दे दिया जाएगा तो अपना वो निकले आएगा उसमें से। तो कह रहे हैं सो इसके लिए एक जगह ब्याह करना अच्छा है, यह भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। अच्छा वेद में यह है कि ईमानदारी से धन कमाओ, एक एक चीज़ को कवर कर रहे हैं हमारा श्री, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। तो मोक्ष के लिए तो है ही है क्योंकि भजन में लगेंगे तभी तो मोक्ष होगा, पर इसके पूर्व पूर्व धर्म अर्थ और काम, तो काम विकार के लिए महाराज ने बता ही दिया ब्याह का। अब अर्थ को ले लिया, बोले अर्थ के बारे में तो कुछ नहीं है ना महाराज वेद में, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वेद में यह है कि ईमानदारी से धन कमाओ, जुआ मत खेलो, जुआ खेलोगे तो कभी ऐसा मौका आवेगा कि सारी कमाई खो दोगे। अच्छा इतना ही नहीं, सनसनी वाले जितने काम हैं वेद में सब वर्जित है। ये सनसनी का सबसे बढ़िया, हम इंग्लैंड में थे नम्रता, तो एक हमारे मित्र क्रीट शाह, तो अब क्या है कि हमारी कॉलेज के ही थे बॉम्बे के, फिर बाद में वहाँ मिलना हो गया तो एक दिन आए, सैटरडे संडे रहता है छुट्टियाँ तो वीकेंड में, तो अब उनको ये लत थी हमको पता नहीं था, तो एक उसमें जुआ घर में घुस गए। अब हम साथ में थे तो अब हम क्या करें, हमको खेलना तो नहीं था, तो वो जुआ घर में क्या सब मशीनें होती है, तो मशीनें अपने सब ऑटोमेटिक सब चलती है, उसमें कोई कैसे ऑपरेट होती है कोई कैसे ऑपरेट होती है, तो उसमें वहाँ के सिक्के बहुत सारे जो, तो वो जो है सिक्के, अब वो मशीन ऐसे धीरे धीरे चले और सिक्के उसके ऊपर इतने सिक्के पड़े हैं और वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे, तो मतलब लगता है कि ये सब सिक्के नीचे गिर जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बस आप अपना सिक्का डालो और वो चलेगी, और अगर वो सिक्के गिर गए तो सब सिक्के आपके। अब होता वो सब ट्रिक है, ट्रिक मतलब वो ऐसे गिरते नहीं है। तो इसने सिक्का डाला, तो सिक्का डाला, मैं भी खड़ा था तो देख रहा हिल रहा है पर उतर नीचे नहीं है, मतलब एकदम आ गए कॉर्नर पे आ गए पर गिर नहीं रहे। तो उसने फिर वो मशीन को धीरे से हिलाया, वहाँ तो सब ऑटोमेटिक हो रहता है, जैसे ही उसने हिलाया वैसे ही कुछ वो सीटी बजी, वैसे ही वो आ गया आदमी क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग बहुत होते हैं, है ना। तो पकड़ा गया, पकड़ा गया मतलब कुछ एक्शन नहीं ली उसमें, पर कहने का मतलब ये सनसनी वाले जितने काम हैं है ना वेद में सब वर्जित है। ये तो सनसनी लगी रही थी कि भाई अपना डाला तो अभी आ जाए तो काहे के लिए है ना, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए ये वर्जित क्यों है। महाराज से पूछ रहे हैं भाई सनसनी वाली बातें भी बढ़िया है काहे के लिए, बोले क्यों वर्जित है, बोले तुम्हारे मन को शांत करने के लिए, नहीं तो बेचारा अशांत रहेगा, ये आ जाए सिक्के जल्दी गिरे है ना मशीन को हिला दे। तो वेद कहता है कि किसी की हिंसा मत करो। अब फिर से है ना एक 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 पॉइंट को लेते जा रहे हैं महाराज, धन को लिया, काम विकार को लिया, स्वास्थ्य को लिया है ना, अब कह रहे हैं कि हिंसा मत करो। भाई हिंसा जो गलत आदमी है, कल हमारे मैनेजर कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है 6-7 साल का बच्चा है इनका छोटा, बड़ा वाला तो अभी यहाँ आया नहीं है, हमने नहीं देखा है, छोटा वाला आया था हिमांशु नाम है, तो कल घर पे
कुछ जिद कर रहा होगा कि हमको बैट बॉल चाहिए। बच्चे हैं बेचारे, बैट बॉल मांगेंगे, पिताजी से नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे। बोले बहुत जिद पकड़ ली। तो बोले मुझे गुस्सा आया तो मैंने एक चाटा लगाया उसको। तो बोले स्वामी जी उंगलियाँ उसके गाल पे है ना, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। तो ये क्या कह रहे हैं, वेद कहता है कि किसी की हिंसा मत करो। क्यों मत करो, है ना, ये भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। क्रोध अगर तुम्हें आवेगा और हिंसा करोगे तो भजन साधन से जितना शांति का रस अंतकरण में इकट्ठा होगा वह क्रोध से नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए वेद ने कहा कि हिंसा मत करो। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं कि विकारों को संस्कार बनाने के लिए वेद है, है ना, उपाधि को शुद्ध करने के लिए वेद है, अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करने करके हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर अवश्य चलना चाहिए, इसलिए हमारे मनुष्यत्व का वर्णन है। तो इस पैराग्राफ में महर्षि समझा रहे हैं कि विकारों को संस्कार बनाने के लिए वेद है। विकार जो है जैसे लोग शेव करते हैं, तो ये महर्षि कहते हैं कि विकार को उत्पन्न नहीं करना पड़ता, विकार तो ऑटोमेटिक आते ही है ना, संस्कार करना पड़ता है। तो हम कोई ये थोड़ी कहते हैं कि भाई हम मतलब संकल्प करते हैं कि भाई पहले दाढ़ी आ जाए फिर हम शेव करें, है ना, तो शेव करते करते परेशान है व्यक्ति। तो कह रहे कि विकारों को संस्कार बनाने के लिए वेद है। वेद यही हमको समझाता है कि भाई संस्कार तो करने पड़ेंगे। उपाधि को शुद्ध करने के लिए वेद है, उपाधि का मतलब शरीर। अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करके हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर अवश्य चलना चाहिए, है ना, ये बताने के लिए वेद है। तो अधिकारी पने का भाव हम समझा रहे थे अभी जुलाई के पृष्ठ कर रहे हैं, तो महर्षि ने 24 जुलाई का किया जा रहा है पृष्ठ, 23 जुलाई के पृष्ठ में आया है कि भाव शरीर जो है वो गुरु देते हैं। तो भाव शरीर जो गुरु देते हैं तो उसी शरीर के द्वारा ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपने में एक खास प्रकार के अधिकारी पने का भाव उत्पन्न करके, है ना, हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर की ओर अवश्य चलना चाहिए। तो मनुष्य ईश्वर की ओर चल रहे हैं, पर अब जब वहाँ ईश्वर की ओर चलने के लिए गुरु कहेंगे कि अब तुमको दास भाव में रहना है, हम साईं के दास हैं, तो ये अब एक विशेष बात हो गई। पहले मनुष्यत्व, फिर मनुष्यत्व के बाद भाव शरीर। तो वेद जो है मनुष्यत्व का वर्णन करता है और फिर उसके बाद गुरु और उसमें संस्कार डालेंगे। तो मुख्य बात यह हुई कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो, हम परमात्मा के मार्ग की ओर चलें, ऐसा वर्णन करता है। तो मुख्य बात मतलब पूरा पृष्ठ हम देखें तो ये बात समझ में आ गई कि धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरे को कवर कर रहा है। तो मुख्य बात यह हुई कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो। महर्षि ने कहा ना अभी एक पृष्ठ में कि 2000-3000 वर्षों से ऐसा हो गया है कि कथावाचक जो कथा करते हैं तो इस प्रकार करते हैं मानो सबको महात्मा बनना है। तो महर्षि ने उसको गलत बताया कि ये जो है ऐसा निरूपण नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है भाई, जो जिसका अधिकारी है ना। मुख्य बात ये हुई कि वेद हर तरह से हमारी भलाई हो। तो जो भजन करने वाला है उसकी भलाई है, वो एकांत में रह के भजन करे, है ना। दूसरा जो अशांत है ना, जो चंचल है, तो उसको वहाँ साईं के यहाँ रख देंगे, भाई तुम यहीं रहो, है ना। तो हम परमात्मा के मार्ग की ओर चलें, ऐसा वर्णन करता है कौन, वेद। तो ये 24 जुलाई का पूरा हुआ और ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही समय लगेगा।